नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडुजेट कार सर्विस की इस वीडियो में। मैं अभिजीत और आज इसकी जो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली एसी के ऊपर तो है, बट एसी का जो प्रेशर सेंसर रहता है उसकी थोड़ा सा मतलब जितना पॉसिबल होगा मेरे से उतना डिटेल में बात करेंगे। इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी स्टार्ट तो हो रहा है बट एसी जो है वो ठंडा नहीं हो रहा है, और ये ठंडा ना होने के पीछे वैसे तो बहुत सारा रीज़न हो सकता है। कंप्रेशर तक जो वोल्टेज आ रहा कि नहीं वो सबसे पहले आपको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए, हर एक प्रॉब्लम का तो मैं डायग्नोसिस नहीं दिखा सकता एक वीडियो में, बट इस गाड़ी में जो हुआ है कंप्रेशर में वोल्टेज आ नहीं रहा है, कंप्रेशर ऑन नहीं हो रहा है, और इसके पीछे की जो रीज़न है वो ढूंढेंगे। और कैसे आप अगर मेरे जगह है या मेरे कोई भी अगर जूनियर टेक्नीशियन जो मुझे फॉलो करते हैं अगर देख रहा है तो उनके लिए मेरा स्पेशल ये वीडियो है, ताकि अगर प्रेशर स्विच का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कैसे वो इजीली आप डायग्नोस कर पाए, इसी के ऊपर पूरा आज का वीडियो होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट करने के बाद देखिए मेरा ये जो एसी है ये एसी स्विच को मैंने दबा दिया, और इस कंडीशन में यहाँ पे टेम्परेचर मीटर लगाया जो कि आपको ये दिखा रहा है कि कितना टेम्परेचर है। ये थोड़ा थोड़ा करके ये बढ़ रहा है, 33.1 हो गया है यहाँ पे, जो 33.2। तो यहाँ पे जो एसी स्विच ऑन है लो पे सेट किया हुआ है फेस एयर मोड में, ये दिखा के मैं आपको टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, एसी ठंडा हो नहीं रहा है। और एक आसान उपाय है, इसी कंडीशन में मैं आपको यहाँ पे जो मेरा एसी कंप्रेशर रहता है, ये एसी कंप्रेशर की स्टेटस आप देख सकते हैं, एसी कंप्रेशर का सिर्फ पुल ही घूम रहा है बल्कि जो मैग्नेटिक क्लच है वो घूम नहीं रहा है। वैसे ये ईसीवी टाइप ही कंप्रेशर है लेकिन ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बट ये कंप्रेशर अभी एंगेज नहीं हुआ। मेन जो बात है ये कंप्रेशर अभी एंगेज हुआ नहीं है। तो दोस्तों, जब भी हम लोगों के पास इस तरह का एसी का प्रॉब्लम का गाड़ी आता है, देखिए नॉर्मली एसी के प्रॉब्लम कई तरह का होता है। एक होता है एसी नॉट वर्किंग, हमेशा काम नहीं करता है, और कुछ होता है कि एसी लेस कूलिंग, कुछ होता है कि समटाइम नॉट वर्किंग। तो आज बात कर रहे हैं एसी नॉट वर्किंग, क्योंकि कंटिन्यूस इसमें प्रॉब्लम है, गाड़ी का एसी ऑन नहीं हो रहा है। और जैसा आपने देखा कि एसी मेरा एंगेज नहीं हुआ, एसी कंप्रेशर, मैंने कंप्रेशर का वोल्टेज भी चेक किया, वोल्टेज नहीं आ रहा है 12 वोल्टेज। इस तरह का कभी भी अगर मेरा पास आता है ना, या किसी के पास भी आता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एसी सिस्टम में गैस कितना है या गैस है कि नहीं वो पहले चेक करते हैं, क्योंकि गैस अगर कम रहेगा तो तब कंप्रेशर एंगेज नहीं होगा। और हम लोग ज़्यादातर के इसमें क्या करते हैं, इस तरह का स्क्रू ड्राइवर लेते हैं और इधर लेके आओ ये जो नोजल रहता है हाई प्रेशर का या फिर लो प्रेशर का, तो इसमें मार के देख लेते हैं। वैसे वो मैं ये जो निकल रहा है ये, और थोड़ा देर प्रेस करके रखने से अगर थोड़ा थोड़ा करके निकल के मतलब लगेगा तो हवा है। ये टेक्नीशियन मैक्सिमम टेक्नीशियन यही करता है, और सच बोले तो कभी कभार हम भी ये कर लेते हैं इमरजेंसी में, बट ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है। आज मैं आपको जो दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो हो रहा है तो कुछ अच्छा ही दिखाने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली गाड़ी में गैस है कि नहीं इसके लिए मैं ये जो मशीन है मेरा, ये मशीन यूज़ करूँगा, और इसमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों पाइप है। तो गैस चेक करने के लिए नॉर्मली यहाँ पे मीटर दिखाओ पहले, ये हाई प्रेशर का जो मीटर है इसमें देखिए ये सुई जो है बिल्कुल नीचे की तरफ है, जीरो से थोड़ा सा ऊपर है, और लो प्रेशर अभी दिखाऊंगा नहीं। तो हाई प्रेशर का जो नोजल है ये हम मशीन में, हाँ ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो नोजल है मेरा ये नोजल को बस इसमें फिट करेंगे। अब यहाँ पे दिखाओ ये जो मीटर है, देखिए ये मीटर का सुई, जैसे ही हमने नोजल फिट किया तो ये मीटर का सुई इस पोजीशन में चला आया, दैट मीन्स के सिस्टम के अंदर एसी गैस है। तो इससे आपको ये मीटर से पता चलेगा कि एसी गैस है कि नहीं, अब कितना है ये अलग बात है। तो फिलहाल आपको ये पता चल गया कि मेरा एसी सिस्टम में एसी गैस है, और मैंने ये पूरा रिकवर करके चेक किया भी है, इसमें जो प्रॉपर गैस रहना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर है, बट आफ्टर दैट फिर भी कंप्रेशर नॉट एंगेज। अब तब स्कैनर जो वेपन्स हम लोगों का है वो वेपन्स का यूज़ करेंगे, और वो दिखाते हैं कि मैंने उसको कैसे शॉर्ट आउट किया, उसके बाद और डिटेल में जाएंगे, वीडियो लंबा होगा। तो दोस्तों, अभी हमने इसमें जो वेपन्स है वो यूज़ कर लिया, और इसमें आपको डेटा कैसे एनालिसिस करके ये जो फॉल्ट हुआ है, या ऐसी गाड़ी में जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो कुछ डेटा है जिससे आपको काफ़ी मदद मिलता है, वो डेटा कैसे एनालिसिस करना है वही थोड़ा दिखाएंगे। तो इसीलिए मैं सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, तो गाड़ी स्टार्ट है, और ये स्टार्ट कंडीशन में एसी अभी ऑफ है, ये मैं डेटा के साथ दिखा रहा हूँ आपको। तो
यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं एसी ऑन कंडीशन ये ऑफ है, एसी रिक्वेस्ट टू ईसीयू स्विच ये ऑफ है, एसी कंप्रेसर ऑफ है, जो भी सारा ये आप देख लीजिए। अब जो दिखाना चाहता हूँ देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे एसी को ऑन करूँगा तो यहाँ पे डेटा चेंजेस होगा। तो मैं यहाँ पे एसी स्विच को ऑन कर दिया, और जैसे ही एसी स्विच को ऑन किया तो देखिए ये ऊपर का जो एसी कंडीशन है ऑन हो गया, एसी रिक्वेस्ट टू स्विच ऑन हो गया, एसी कंप्रेसर अभी भी ऑफ है, फ़ैन तो चलेगा ही नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें देखिए, एसी प्रेशर यहाँ पे जो दिखा रहा है ये मेरा 00 बार दिखा रहा है, जो कि गलत है। एवापोरेटर सेंसर जो फिन सेंसर है उसका अभी टेम्परेचर दिखा रहा है, और बाकी यहाँ पे और एक चीज़ देखने वाले है कि कंप्रेसर ऑपरेटिंग स्टेट ये ऑन दिखा रहा है कि ECM के तरफ से ओके है। बट मेरा जो मेन इस वीडियो में मैं दिखाना चाहता हूँ, एसी प्रेशर ये 00 बार दिखा रहा है, जो कि नॉर्मली होना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने पहले ही जब कनेक्ट किया ना, उस टाइम देखिए आपको तो दिखाया मशीन में कि मेरा एसी गैस का जो प्रेशर है वो प्रेशर आपके तरफ उठ रहा है, तो दैट मीन्स सिस्टम के अंदर एसी गैस है, तो इसमें एसी एंगेज हो या ना हो मिनिमम एक प्रेशर रहना चाहिए। यहाँ पे 00 बार शो नहीं करेगा, जो कि यहाँ पे कर रहा है। तो ये सबसे पहले आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेशर सेंसर में एक फॉल्ट है। अब आपके पास सपोज़ मान लीजिए स्कैनर नहीं है, तो तब कैसे होगा वो भी मैं दिखाऊँगा। अब प्रेशर सेंसर का जो, अब यहाँ पे आपने जो देखा कि मेरा ये एसी प्रेशर जो स्विच है वो प्रॉपरली डेटा भेज नहीं रहा है, तो इसका दो रीज़न हो सकता है। एक तो जो प्रेशर सेंसर है उसमें प्रॉब्लम है, या फिर जो प्रेशर सेंसर है उसको ऑपरेट करने के लिए जो पावर और ग्राउंड का सप्लाई होना चाहिए वो प्रॉपरली आ नहीं रहा है। गाड़ी बंद कर दो। और तो अभी हम चेक करेंगे कि मेरा जो ये प्रेशर सेंसर है क्या उसमें बराबर जो कनेक्शन है वो कनेक्शन प्रॉपरली है या नहीं। तो दोस्तों ये जो प्रेशर स्विच है वो प्रेशर स्विच है एक्चुअली गाड़ी में कौन सा पोजीशन में लगा हुआ रहता है ये देखिए, ये बहुत ही मतलब एसी पाइप में ये जो है ये एसी का प्रेशर स्विच है, और इसके नीचे जो कपलर लगा हुआ है कनेक्शन, तो इसको मैंने खोल के एक बार क्लीन करके भी देखा था बट कुछ काम नहीं हुआ। ये चेकिंग मैंने किया तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो कपलर है इसको खोलने के बाद इसमें जो वोल्टेज चेक करना है कि इसमें प्रॉपर वोल्टेज ग्राउंड और सिग्नल लाइन मेरा प्रॉपरली ओके, वायरिंग ठीक है कि नहीं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसके लिए मुझे ये जो कपलर है ये कनेक्शन को खोलना होगा। ये कनेक्शन थोड़ा खोलो, इंजन थोड़ा सा गर्म होगा, इधर से ओके। तो दोस्तों ये पावर सेंसर की वायरिंग चेक करने के लिए आपको गाड़ी की इग्निशन ऑन करना है और एसी स्विच जो है इसको ऑन कंडीशन में रखना है। तो दोस्तों अभी हम ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ये जैक भी कहते हैं, तो ये जैक प्रेशर सेंसर का, इसमें देखिए आप तीन वायर आपको दिख रहा है। ये फर्स्ट जो एक नंबर है ये पावर है, बीच में जो है ये सेंसर की सिग्नल है, और ये लास्ट वाला जो है ये ग्राउंड है। तो हम इसमें पावर और ग्राउंड को चेक करेंगे। पहले ये दो तरह से चेक होता है, एक तो आप पावर में आप एक कनेक्शन पावर में लगा दिया और दूसरा जो कनेक्शन है इसको आप ग्राउंड में डायरेक्टली लगा दिए। तो यहाँ पे देखिए ये 5.0102 ये शो कर रहा है, तो 5 वोल्ट इसमें आता है और ये वोल्टेज बिल्कुल प्रॉपरली आ रहा है। तो आप चाहे तो इसको अलग अलग से भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर नहीं आता है तो पहले हम पावर चेक करेंगे नॉर्मली, एक प्रो जो पावर का है पावर में लगाया, और दूसरा जो है ये इंजन की कहीं से भी ग्राउंड लिया, तो देखिए सेम वोल्टेज शो कर रहा है, दैट मीन्स मैंने पावर कनेक्शन इज़ गुड। अब इसके बाद हम जो ग्राउंड है इंडिविजुअली अगर चेक करना चाहते हैं, इसमें हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ये ग्राउंड में लगाया और मल्टीमीटर की रैचेट घुमा के इसमें कंटिन्यूटी में सिलेक्ट किया, ये बीप आपको मिल रहा है, तो मेरा ग्राउंड की जो कनेक्शन है प्रॉपरली है। अब जो बीच में है ये सेंसर की सिग्नल है, इसको लगा हुआ कंडीशन में फाइनली चेक करना है। तो अभी हम इसकी जो वायरिंग है ये वायरिंग प्रॉपर है कि नहीं, कहीं पर कट वट अगर रहता है तो क्या होगा वो दिखाएंगे। तो इसके लिए मैंने जो पावर है एक पावर में लगाया, और अभी ये सिग्नल लाइन जब तक सेंसर में नहीं लगेगा तब तक एक ग्राउंड की तरह ही काम करेगा, इसमें वोल्टेज मतलब जो ग्राउंड है ग्राउंड की तरह सप्लाई होगा। तो मैंने एक पावर में लगाया और ये बीच जो मिडिल में है इसमें लगाया, तो देखिए 4.78 कुछ थोड़ा बहुत कम है बट ये लाइक ए ग्राउंड काम कर रहा है। तो मेरा जो वायर है इसमें प्रॉपर ग्राउंड टाइप का जो सप्लाई है मतलब जो कनेक्शन रहना चाहिए वो प्रॉपर है।
अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने पीछे एक पिन लगा के रखा, तो ये जब भी चेक होगा प्रॉपरली मेरा, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम है ये मेरा पावर, ये स्विच में प्रॉब्लम है, तो स्विच चेक करने के लिए हमें ये कनेक्शन लगा के ही चेक करना है, और इंजन बहुत गर्म है। अरे कोई बात नहीं, ये मैंने इसको प्रॉपर जो कनेक्शन होना चाहिए ये जगह में फिटिंग कर दिया जैक में। तो ये जो मैंने पिन इसमें पीछे से निकाल के रखा है, स्टार्ट कंडीशन में यहाँ पे मुझे चेक करना है। आ रहा है कैमरा में पूरा, ये देखिए मैंने यहाँ पे जो पिन निकाल के रखा है इसमें मुझे चेक करना है स्टार्ट कंडीशन में, और बच ताकि हाथ वूत ना ढुक जाए। देखिए मेरा वीडियो देख के कोई भी अगर उल्टा उल्टा करने जाएंगे, और ये जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट संभाल के भाई, कोई करने मत जाओ तो भी अच्छा है, लेकिन करते टाइम में अगर बेल्ट बेल्ट में हाथ जला जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चलो गाड़ी को अभी स्टार्ट कर दो, अभी तक जो हो रहा था वो स्टार्ट कर, इग्निशन ऑफ कर, मतलब इग्निशन ऑन कंडीशन में इंजन ऑफ था, बट अभी जो करना है हमें ये इंजन स्टार्ट करके करना है। बहुत बढ़िया है, इंजन स्टार्ट हो गया है, और ये स्टार्ट कंडीशन में पकड़ो कैमरा। अभी हमें करना क्या है, देखिए नॉर्मली इतना वोल्टेज हमको शो कर रहा है वो देखना है, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर इसकी चेकिंग की जो प्रोसेस है, जब भी आप चेक करेंगे तो सेंसर की जो सिग्नल लाइन है उसके साथ मल्टीमीटर की एक प्रो और दूसरा जो प्रो है वो सेंसर की जो ग्राउंड है उसमें चेक करना है। बट इस कंडीशन में मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं एक पॉइंट जो सिग्नल की सिग्नल है उसमें लगाया और दूसरा जो पॉइंट है उसको मैंने जो इंजन ग्राउंड जैसा पहले चेक किया वैसा ही इंजन ग्राउंड में दिया। और इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये कुछ शो ही नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल 0-0 ही शो कर रहा है, 0 वोल्ट, तो जैसे कि प्रेशर सेंसर से कुछ सिग्नल नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों अभी जैसे कि आपने देखा कि पावर और ग्राउंड का लाइन मेरा बिल्कुल प्रॉपरली है, और साथ साथ सिग्नल की जो वायर है वो प्रॉपर है, बट फिर भी जब सेंसर में कनेक्ट किया मैंने जैक, तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो मेरा वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज बिल्कुल 0-0 ही शो कर रहा है। इसमें एक टॉलरेंस रहता है क्योंकि प्रेशर सेंसर है, जो प्रेशर सेंसर है उसका पहले जो काम है वो देखिए, ऐसे सिस्टम में क्या प्रेशर हो रहा है, कितना प्रेशर हो रहा है, ये ECM तक पहुँचाना इसका मेन काम है। बट क्या है कि अब जैसे कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप आगे हिंदी जानते तो आपको हिंदी मेरे हिंदी और आपका हिंदी क्योंकि आप जानते हैं तो आपको समझ में आ रहा है मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बट सपोज़ अगर कोई चाइनीज़ देख लेगा तो उसको लगेगा कि ये क्या बक रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो अपना अपना लैंग्वेज रहता है। अब जो प्रेशर सेंसर है उसका ऐसे सिस्टम के अंदर प्रेशर हो रहा है, बस वो जो प्रेशर कितना प्रेशर हो रहा है उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करके ECM तक पहुँचाने का काम है प्रेशर सेंसर का। अब ये जो प्रेशर सेंसर है, ये प्रेशर सेंसर वैसे पहले जो यूज़ होता था वो ड्यूल प्रेशर यूज़ होता था, ड्यूल प्रेशर स्विच जिसे कहते हैं, उसके बाद ट्रिपल प्रेशर स्विच आने लगा, और अभी जो यूज़ हो रहा है FATC गाड़ी में उसे ATP कहते हैं, एसी प्रेशर टंडूसर। इसका भी अलग अलग कारण है, पहले जो ड्यूल प्रेशर स्विच था ना वो ड्यूल प्रेशर स्विच आपका जो लो प्रेशर है, ड्यूल प्रेशर क्यों कहते हैं, ड्यूल मतलब दो, जो लो प्रेशर है अगर लो प्रेशर 2 bar के नीचे हो जाएगा तब ये ECM को सिग्नल भेजेगा कि मेरा गाड़ी में गैस नहीं है। तो एक वोल्टेज है जो वोल्टेज भेजता है, नॉर्मली ये जो वोल्टेज है ये मैंने जो गाड़ी रनिंग है उसमें मैंने चेक किया कि 1.31 1.51 ऐसा कुछ रहता है, जैसे जैसे प्रेशर हाई होता जाएगा तो तब जाके वो 4 point something कुछ होता है, बट नॉर्मली जो गाड़ी है उसमें मैंने जब चेक किया नॉर्मल गाड़ी में तो 1.51 मुझे मिलता है सिग्नल लाइन में। अब कहाँ पे कि ड्यूल प्रेशर स्विच, तो ड्यूल प्रेशर स्विच जब लो प्रेशर रहेगा मतलब ऐसी गैस के अंदर पाइप के अंदर प्रेशर नहीं है, मतलब गैस नहीं है इसीलिए प्रेशर नहीं है, ECM को सिग्नल भेजेगा कि भाई सिस्टम में गैस नहीं है, तुम AC को मत ऑन करो, मतलब AC ECM से जो ग्राउंड मिलता है वो तब ECM उसको ग्राउंड नहीं देगा, क्योंकि अगर गैस नहीं है उस कंडीशन में भी AC कंप्रेशर को घुमाएंगे तो AC कंप्रेशर मतलब चलते चलते एक सीज होने का, डैमेज होने का चांसेस है, इसीलिए AC ऑन नहीं होगा। और अगर कभी भी सिस्टम की प्रेशर 32 bar के ऊपर जाता है वो भी ड्यूल प्रेशर स्विच का ही काम है, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो वोल्टेज हाई प्रोड्यूस होगा, वो हाई वोल्टेज देगा ECM को, ECM देगा कि मेरा अभी सिस्टम में प्रेशर बहुत हाई है, तो क्या करेगा AC को कट ऑफ करेगा, क्योंकि अगर नहीं कट ऑफ करेगा तो ऐसे सिस्टम जो है वो ब्लास्ट होने की चांसेस है, हाई प्रेशर पाइप ब्लास्ट होने की चांसेस है, और भी मतलब सिस्टम डैमेज होने की चांसेस है। ये था ड्यूल प्रेशर स्विच का काम। अब उसको अपग्रेड किया गया, क्या किया, ट्रिपल प्रेशर स्विच या फिर हम APT सेंसर लाया, ऑटोमेटिक प्रेशर टंडूसर, सॉरी AC प्रेशर टंडूसर।
इसका काम क्या है, देखिए पहले जो डुअल पैसा स्विच कर रहा था ये दोनों तो करेगा ही, साथ साथ और एक काम कर रहा है अभी का जो भी जरा गाड़ी है इसमें PWM फैन यूज होता है, PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन, अलग टॉपिक है। तो ये जैसे जैसे एसी प्रेशर बढ़ेगा और फ्रंट ग्रिल से, मान लीजिए गाड़ी है मेरा, तो गाड़ी की जब जैसे आगे चलेगा तो फ्रंट से भी हवा आ रहा है, एसी प्रेशर कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करके ECM जो फैन है वो फैन को कभी लो प्रेशर में कभी हाई प्रेशर में ये चलाएगा। मतलब अभी डुअल प्रेशर के अच्छा यही है कि मेरा ये APT सेंसर जैसा लो और हाई चेक कर रहा था, मतलब सेंसर सेंस कर ही रहा था, वैसे ये स्विच है सेंसर में, बार बार कह रहा हूँ गलती से। तो ये पैसा स्विच पहले जो बार बार कर रहा था कि लो प्रेशर कितना है वो देख के ECM को बता रहा था, अभी हाई प्रेशर कितना है ये बता रहा है। इसके साथ साथ APT सेंसर क्या करता है, कितना स्पीड रहना है, मतलब एसी प्रेशर के ऊपर डिपेंड करके ये ECM को भेजेगा, और ECM उस हिसाब से जो फैन है वो फैन को भी कितना जोर घुमाना है, लो प्रेशर अभी ऑन करना है कि हाई प्रेशर ऑन करना है ये डिसाइड करेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया APT सेंसर का पूरा काम। तो इसमें मैंने 0.0 वोल्टेज मिला, दैट मीन्स कि मेरा जो वोल्टेज रहना चाहिए ये एकदम डाउन है, और इसकी मिनिमम जो वोल्टेज रहना चाहते हैं वो शायद 1 समथिंग कुछ होगा, बट ये मैं श्योर नहीं हूँ। तो अभी सेंसर मुझे फॉल्ट मिला है क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहा है, तो अभी हम इसमें जो सेंसर है वो सेंसर को चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो एसी प्रेशर स्विच चेंज करने के लिए सिस्टम में जो भी गैस है वो गैस अभी रिमूव करना है, तो मैंने मशीन लगा दिया ये रिमूव होता रहे। तो अभी ये खोलना काफ़ी दिक्कत है, और खास करके अगर इंजन गर्म रहेगा ना तो और दिक्कत है, बहुत फटता है। तो इसको हम किया, मतलब बहुत मुश्किल से किया, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि ताकि ये पाइप ना खराब हो जाए, पहले थोड़ा सा ढीला करने के बाद ये अभी हाथ से हो जाएगा। वैसे काम कुछ भी बहुत बड़ा काम नहीं है, इसी काम ही है। ये लास्ट जो बचा हुआ हवा रहता है वो हवा है, देख लीजिए। तो ये मेरा प्रेशर सेंसर है, कभी कभी ये अंदर से लीक भी हो जाता है, ठीक है। ये भी भीगा हुआ है बट इसको क्लीन करने के बाद से अभी तक सूखा नहीं है। तो ये प्रेशर स्विच जो है, ये प्रेशर सेंसर जो है, इसको अभी हम चेंज करेंगे। तो ये मैंने गाड़ी में लगा हुआ था, और ये देखिए हाथ दिया तो तेल हो गया। तो ये दूसरा गाड़ी का ही है, एक बस डायग्नोसिस या चेकिंग के पर्पज़ के लिए। तो इसको भी हम फिटिंग करेंगे, और ये प्रॉपर फिटिंग होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, इसके मुंह में देखिए एक ओरिंग लगा हुआ है, ये ओरिंग बराबर रहना चाहिए, ओके, नहीं तो गैस लीक हो जाएगा। अब इसको प्रॉपर इसमें बस फिटिंग करना है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, बस टाइट आपको प्रॉपर देना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसको टाइट दे देता हूँ, इसके ऊपर ये होल्ड करने की भी एक जगह है, और नीचे में जो है वो, और अभी आपको दिखेगा नहीं मैं टाइट करने के, हटा दो अभी कैमरा। तो फाइनली ये सेंसर चेंज करने के बाद अभी इसमें जो गैस था वो गैस फिर वापस इसमें डालना है, नहीं तो, और मैंने ऑलरेडी डाल दिया। तो डालने के बाद देखिए ये फिर से ये जो प्रेशर का सुई है ये ऊपर चला गया, हाई से ही किया मैंने, लो से किया नहीं क्योंकि अभी भी काम बहुत बाकी है। तो हाई प्रेशर से ही मैंने ये सिर्फ गैस जो है इसको फिर रिचार्ज कर दिया। तो दोस्तों अभी जैसे कि आपने देखा कि मेरा वो प्रेशर स्विच जो है APT सेंसर उसको मैंने लगाया वहाँ पे, और जैसे कि वेपन्स तो ज़रूरी है, तो अभी इसमें जो डेटा है सारा डेटा मैंने लगभग जो मेन है वो सारा सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने में मेन जो फोकस करना है, देखिए अच्छा से, ये एसी प्रेशर मैंने पहले भी दिखाया था आपको डेटा में, अभी देखिए मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं किया, क्लस्टर मीटर दिखाओ, स्टार्ट नहीं है गाड़ी मेरा, कुछ नहीं है, एसी स्विच भी मैंने ऑन ऑफ कंडीशन में है, बट फिर भी एसी प्रेशर 8.4 बार शो कर रहा है, ओके, सबसे वाइटल पॉइंट। और इसी को देख के मैंने ये पूरा वीडियो लंबा किया,
ताकि समझ मतलब आपको समझा पाए अच्छे से, तो एटलीस्ट ये मेरा शो कर रहा है और एंड आई होप कि आप यहीं से पता कर रहे हैं, बट अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी स्किप मत कीजिए। अब मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ, गाड़ी मेरा स्टार्ट है और इस कंडीशन में ये जो एसी स्विच है, अभी हम एसी स्विच को क्या फाइनली एसी काम कर रहा है कि नहीं वो देखिए। अभी एसी मेरा ऑन है और यहाँ पे मैंने लगभग जो एसी प्रेशर है ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके ये इंक्रीज़ हो रहा है, पहले जो देखा अभी देखिए 13.32 ये हो रहा है अकॉर्डिंग टू इसकी जो प्रेशर रहना चाहिए उस हिसाब से हो रहा है। तो अभी एसी कंडेंसर एसी कंडीशन ये सारा सब कुछ ऑन है, बट फैन हाई ऑफ है, लो स्पीड फैन ऑन है, तो एपीटी सेंसर का यही फंडा है। सब गाड़ी में ये फैन हाई एंड हाई लो नहीं रहता है, और हाई एंड लो नहीं रहता है, वो अलग अलग से होता है, एक ही साथ रहता है वो फैन, सिर्फ फैन लिखा रहता है ऑन या ऑफ। अब लगभग और वीडियो को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बट एंड में एवापोरेटर टेम्परेचर देखिए, पहले जो था मैंने ख्याल नहीं किया 30 के ऊपर ही था, तो अभी ये 12 में आ गया है, और एसी ये मैंने लगा के रखा, अभी देखिए 21 20, मतलब ये डाउन की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आप मेरा आज का जो वीडियो है कितना लंबा हुआ मुझे पता नहीं है, वो एडिट करने के बाद ही पता चलेगा, बट मैंने कोशिश किया आपके साथ एटलीस्ट मेरा ये जो नॉलेज है या जो कंसेप्ट है ये आपके साथ क्लियर करने का, ताकि गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम हो एपीटी सेंसर या ड्यूल प्रेशर स्विच, इस तरह का प्रेशर स्विच रिलेटेड, आप एटलीस्ट अच्छे से डायग्नोसिस कर पाए। बस इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए, इतना देर कोई रहा भी नहीं है मुझे पता नहीं है, बस थैंक्स।